नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम कुछ ऐसे लक्षण बताने जा रहे हैं। अगर आपके हाथ में ये लक्षण है तो अपने जीवन काल में धनी नहीं महाधनी अवश्य बनेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है। इसी प्रकार से मस्तिष्क रेखा, कहते हैं ना, हम किसी बात को कितने गहरे विचारों में जाते हैं उसके बारे में बताती है। और इसी प्रकार से ये हृदय रेखा, हृदय रेखा प्यार की प्रमुख मानी जाती है, हमारे दिल के हमारे प्यार के बारे में बताती है। सबसे पहले हम तीन लक्षणों में से पहला लक्षण आपको बताते हैं। अगर आपके हाथ में एक सफल भाग रेखा है और ये केतु का क्षेत्र है, इसको हम केतु का पर्वत बोलते हैं। ये केतु का पर्वत है और इसी केतु के पर्वत के ऊपर एक फिश का साइन बनती है। ये फिश की साइन है और इसी फिश साइन से एक भाग रेखा प्रबल निकलकर शनि के पर्वत तक जाती है। ऐसे लोग जीवन में अपने बचपन में संघर्ष अवश्य रहता है, लेकिन एक समय ऐसे आते हैं, ऐसे लोगों को जीवन काफी सार्थक बन जाता है। अपने ऐसी मास्टरी करते हैं जीवन में कि जीवन को हर उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोगों को सपोर्ट मिलती है। कहते हैं ना कि जीवन में सब कुछ तभी मिलता है जब भाग रेखा सफल हो। सफलता तभी आपको मिलती है जब आपके कर्म अच्छे हों। कर्म की भी जरूरत पड़ती है और आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, सफलता तभी आपको साथ देगी। इसी प्रकार से अगर इसी भाग रेखा से यह सफलता की रेखा प्रॉपर अच्छी है तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और एक अपने लक्ष्य की तरफ प्राप्ति करेंगे। दूसरा साइन है जो कि आपको इसी के तौर पे आपको वो भी एक सफलता जो प्रबल सफलता बताती है। जैसे कि ये भाग रेखा सफल हो तो कार्य शैली की सफलता को दर्शाती है और इसी भाग रेखा से एक रेखा ये बुध की पर्वत की तरफ जाती हो और ये बुध की फिंगर बड़ी हो। ऐसे लोग आज कुछ भी कार्य कर रहे हो, चाहे बेशक वो सरकार के क्षेत्र में ही क्यों ना हो, लेकिन आने वाला समय एक दिन वो अवश्य बिजनेस का काम करेंगे। और ये बिजनेस लाइन ऐसी प्रॉपर है, ऐसे लोग मास्टरी करते हैं बिजनेस में और अपने जीवन काल में धनी नहीं महाधनी अवश्य बनते हैं। और ये त्रिकोण का साइन बन जाता है। ये त्रिकोण का साइन जो बनता है, कहते हैं ना कि अपने जीवन काल में ऐसे लोग पैसा भी अवश्य सेविंग करते हैं। और ये बुध के पर्वत की तरफ जाने वाली आपके बिजनेस सेंस को, आपके बोलने की कला को, ये बहुत बेहतर ढंग से आप किसी चीज में अपनी बातें एक्सप्लेन कर सकते हैं। बोली बाणी में आप मधुर और अच्छे व्यवसाय करने वाले माने जाते हैं। इसी प्रकार से एक साइन और देखते हैं हम, जैसे कि वो भी इसी बिजनेस को दर्शाती है और आपके बिजनेस को चार चांद लगाती है। जैसे कि हमारी ये हृदय रेखा थी, हृदय रेखा के साथ हमारी ये मस्तिष्क रेखा थी। कहते ना, हम किसी बात को अपने विचारों से लेते हैं, या ये बुध की माफ करना, ये हमारी मस्तिष्क रेखा बुध की तरफ देख ले। और ये बुध की तरफ देखने का मतलब होता है हम कोई चीज करते हैं अपने विचारों से करते हैं, अपने दिमाग से करते हैं, उस स्थिति को बताती है ये मस्तिष्क रेखा।
या इसी में एक फोर्क बन जाइए, चंद्रमा की तरफ देखें। ऐसे लोग काफी डीपली नॉलेज वाले भी होते हैं, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है वो आध्यात्मिक की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और दूसरा, इसी मस्तिष्क रेखा से ये बुध की तरफ निकले, ये सूर्य की तरफ निकले या शनि की तरफ निकले, ऐसे लोग अपने दिमाग से हर उस ऊंचाई को प्राप्त करते हैं और ये सफल भाग रेखा हो। बिजनेस में मास्टरमाइंड बनते हैं, मतलब अपने कोई भी कार्य करते हैं अपने दिमाग से काम करते हैं। सूर्य बुध की तरफ जाएंगे, बिजनेस की एक्टिविटी को दर्शाएगी, बिजनेस को बढ़ाएगी, और सूर्य की तरफ जाती है तो इनके मान सम्मान को प्राप्त करवाती है ये, क्योंकि माइंड से निकली जो भी ऊर्ध्वमुखी रेखाएं होती हैं वो जीवन में सफल अवश्य बना देती हैं। इसी प्रकार से शनि की तरफ जाने वाले बिजनेस के साथ व्यापार के साथ एक व्यापार को और दर्शाती हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।